ऐसे तरसा रहे कि जो उनको पता है कि उनके पास थोड़ी सी, देखें आपको उनको तो पता है ना कि नेशनल असम्बली में इनकी 16-17 सीटें हैं, अब जब मजबूरी है कुर्सी पर बैठा दिए जाओ उनको तरस ही आएगा उनके साथ, अब मैं क्या कह सकती हूँ, कितनी देर बैठ सकती हूँ कुर्सी पर ये नहीं पता। चेहरे से खुशी नहीं होगी, मेरी बात सुनो, इसलिए नहीं होगी जब आप चोरी करके और ऊपर से सीना जोरी करो सारी दुनिया के आगे, मतलब क्या, मतलब मुझे शर्म भी आ रही होगी ना कि घर जाके क्या कहते होंगे कि हम आज डाका डाल के 100 सीटें जेब में डालकर और आज अपने आप को मंतखब करवा लो, मतलब लोगों लोग तो आपके साथ नहीं है तो कितनी देर इस मजबूरी के अंदर वो बैठ सकेंगे इस कुर्सी पर। आखिर ये बताइए कि पीके में पिटिए गवर्नमेंट बनाई जाए तो क्या इस्लाहात मजीद करेंगी ताकि ये डिटेल नहीं, मैं तो सिर्फ आपने एक पाकिस्तानी के तौर पे आपने मेरे से एक सवाल पूछा, मैंने भी वोट डाला था, हमारे हल्के से हैं वो, मैंने तो उनको वोट नहीं डाला था और मेजॉरिटी उस हल्के ने उनको वोट नहीं डाला था और वोट डाला था फारूक शहजाद फारूक, आपको पता ना शहजाद फारूक कौन है, जिनका भतीजा सिसद सिसद के बाप की जुदाई में इंतकाल कर गया था, और कौन नहीं है उस इलाके में जाकर लोगों से पूछे उन्होंने किसके लिए वोट दिया, वो एक किस्म का सिंबल बन चुका है वो, और यू शहजाद फारूक को वोट मिला था, अब अगर फारूक उसका वोट चोरी करके अगर मरियम बीवी बैठेंगी तो मुझे मेरा ख्याल है मैं यकीन से कह सकती हूँ उनको इस पर बड़ी शर्मिंदगी होगी। आखिर में बस ये बता दीजिएगा कि पाकिस्तान तरीके साफ ने कहा है कि ये फोटो मैडम मुझे खान साहब से कैसे मुझे तो उनसे इसलिए तरस आ रहा है कि जो उनको पता है कि उनके पास थोड़ी सी, देखें आपको उनको तो पता है ना कि नेशनल असम्बली में इनकी 16-17 सीटें हैं, अब जब मजबूरी है कुर्सी पे बैठा दिए जाओ उनको तरस ही आएगा उनके साथ, अब मैं क्या कह सकती हूँ कितनी देर बैठ सकती हूँ कुर्सी पे ये नहीं पता। चेहरे से खुशी नहीं होगी, मेरी बात सुनो, इसलिए नहीं होगी जब आप चोरी करके और ऊपर से सीना जोरी करो सारी दुनिया के आगे, मतलब क्या, मतलब मुझे शर्म भी आ रही होगी ना कि घर जाके क्या कहते होंगे कि हम आज डाका डाल के 100 सीटें जेब में डालकर और आज अपने आप को मंतखब करवा लो, मतलब लोगों लोग तो आपके साथ नहीं है तो कितनी देर इस मजबूरी के अंदर वो बैठ सकेंगे इस कुर्सी पर। आखिर में ये बताइए कि पीके में पिटिए गवर्नमेंट बनाई जाए तो क्या इस्लाहात मजीद करेंगी ताकि ये डिटेल नहीं, मैं तो सिर्फ आपने एक पाकिस्तानी के तौर पे आपने मेरे से एक सवाल पूछा, मैंने भी वोट डाला था, हमारे हल्के से हैं वो, मैंने तो उनको वोट नहीं डाला था और मेजॉरिटी उस हल्के ने उनको वोट नहीं डाला था और वोट डाला था फारूक शहजाद फारूक, आपको पता ना शहजाद फारूक कौन है, जिनका भतीजा सिसद सिसद के बाप की जुदाई में इंतकाल कर गया था, और कौन नहीं है उस इलाके में जाकर लोगों से पूछे उन्होंने किसके लिए वोट दिया, वो एक किस्म का सिंबल बन चुका है वो, और यू शहजाद फारूक को वोट मिला था, अब अगर फारूक उसका वोट चोरी करके अगर मरियम बीवी बैठेंगी तो मुझे मेरा ख्याल है मैं यकीन से कह सकती हूँ उनको इस पर बड़ी शर्मिंदगी होगी। आखिर में बस ये बता दीजिएगा कि पाकिस्तान तरीके साफ ने कहा है कि ये फोटो मैडम मुझे खान साहब से कैसे इंशाल्लाह इंशाल्लाह चले अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए हमेशा हमेशा दावत देती हूँ अपोजिशन को भी आपके भाई को भी कि वो आएं और बैठ के इस मुल्क का सोचें। वो तो अब तो वजीर आला बन चुकी हैं, आप उन्हें संजीदा नहीं ले रही। कुछ तो कह दें, मगर उनकी ऑफर जो है वो बड़े सीरियस।